बीजेपी के मंत्री एमएलए कहते हैं कि साहब सीएस की चल रही है, सीएस कहता है मेरी नहीं चल रही, मुख्यमंत्री की चल रही है, मुख्यमंत्री कह रहा है मेरी नहीं चल रही, दिल्ली वालों की चल रही है। तो भाई साहब स्पष्ट तो करो विधानसभा आने से पहले कि आप में से चल किसकी रही है। कोई संतुष्ट नहीं है, न इनके मंत्री संतुष्ट है, न इनके विधायक हैं, न जनता है, न किसी का काम हो रहा है। पानी बिजली के लिए त्राईमाम कर रहे हैं। आज मैंने एक बयान सुना था, कोई एक चैनल वाले ने मुझे फ़ोन भी किया था कि वो नागर साहब हैं ऊर्जा मंत्री, वो कह रहे हैं कि पानी के मामले में बहस कर लो। तो भाई बिजली का मंत्री पानी की बहस कब करने लग गया, बिजली की बहस करो तो बिजली की बहस कर लो ना, 3 तारीख को आना। और आपके पास में इतना ही सामान है, आपने कुछ बहुत बड़ा इस 4 महीने में कोई बड़े ग्रेड लगा दिए और ऊर्जा यहाँ पर ला दी, तो आप बताना ना, आप लगाओ ना दरखास्त, हम लगाएंगे, बिजली पानी पे चर्चा कराओ, हम कराएंगे, देखें कितनी कराते हैं। अभी तो नीट में ही चर्चा दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री जी नहीं करा रहे हैं, जो एक ज्वलंत मुद्दा है उसके ऊपर नहीं करा रहे हैं, आप किसकी बातें कर रहे हो। तो यहाँ तो भाई साहब पोपा भाई का राज आ गया है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन किसकी चल रही है, कौन जनता के मुद्दों की बात करेगा, कौन जन सुनवाई करेगा, कौन उसका समाधान करेगा। बीजेपी में नौटंकी की थी ना जन सुनवाई की, मंत्रियों ने धत्ता बता दिया, भाओ यहाँ से, नहीं करेंगे हम, और अब तो वो संगठन ने भी बंद कर दी। इनके इतने तकड़े आपस में लड़ने में ही फुर्सत नहीं, इनको ये जनता का क्या काम करेंगे। ये स्थिति जो होती है वो किसी भी सरकार की 2 साल 2.5 साल 3 साल बाद में हो सकती है, अगर कहीं अनबन होती है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है या संभलता नहीं है। इनकी तो 6 महीने में ही बोलती बंद हो गई, कोई है मंत्री जवाब देने के लिए? 10-10 दिन तो एक मंत्री को ढूंढने में लगा दिए लोगों ने कि भाई साहब हैं कहाँ, बताओ तो सही, छोड़ो उन मुद्दों को, अपराण भी नहीं जाना और वचन भी नहीं जाना, और जो होना हो जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है, कौन मंत्री रहे कौन मुख्यमंत्री रहे हमारा कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना है कि वो किसको मंत्री रखें किसको मुख्यमंत्री रखें, लेकिन काम तो करें, ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये तो रोजाना हमारे कांग्रेस के समय में जो हमने अच्छे काम किए, जो नौकरियां दी, जो किसानों के लिए कर्जे माफ़ किए, जो पेंशन हमने सोशल सिक्योरिटी के लिए बढ़ाई और जो कानून पारित किए, और उसकी बातें कर रहे हैं, उसी के ऊपर अपनी थपथपी मेज खुद ही थपथपा रहे हैं।